तीन दिवसीय राज्य उत्सव में प्रस्तुति देने बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर नीति मोहन मंगलवार को रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने आईएनएच से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर जो है नीति मोहन जी है, सीधे उनसे चर्चा करते हैं उनका क्या कुछ कहना है छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर। मैम, आज आप छत्तीसगढ़ पहुंची हुई थी, कैसा आपका अनुभव रहा? पहली बार था या इससे पहले भी? आप राजनांदगांव में लगातार परफॉर्मेंस दी है, तो इस बार छत्तीसगढ़ बहुत ही आज खास दिवस है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 24 वर्ष पूरे हुए हैं छत्तीसगढ़ एज स्टेट के और हम आज रायपुर में हैं। पहले भी मैं रायपुर में आई हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत खास है और एक बहुत ही लैंडमार्क, एक बहुत ही बड़े पड़ाव को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो बहुत ही शुक्रगुजार हूं चीफ मिनिस्टर साहब का और डायरेक्टर टूरिज्म एंड कल्चरल डायरेक्टर, मतलब इन सभी, मुझे लगता है कि ये सब अगर इनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारी जनता को वो एक उत्साह इन्हीं लोगों की वजह से आता है और उसकी वजह से हमें उत्साह आता है कि हम परफॉर्म करेंगे आज यहाँ पर। कई मंचों में आप होस्ट भी करती हैं, कई बार शो में आप बैठती हैं जज के तौर पे, तो ऐसे में क्या कभी छत्तीसगढ़ में भी ऐसे शो होने चाहिए? आप किस प्रकार से देखते हैं छत्तीसगढ़ के कलाकार? जी, क्यों नहीं होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए और हर जगह से, पूरे देश से हमारे पास सिंगर्स आते हैं प्रोग्राम्स में। इस वीकेंड पे मैं इंडियन आइडल भी जज कर रही हूँ, सिर्फ इस हफ्ते के लिए। सो जब हम सिंगर्स को सुनते हैं जो हर जगह से आए हुए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि वो छोटी छोटी शहरों में भी रहकर इतना रियाज करके इतना सीख कर आते हैं। जैसे कि आपने खुद भी सुना नीति मोहन जी का क्या कुछ कहना, आपको बता दें कि आईएनएस न्यूज के खास इस बातचीत में उन्होंने कई बातें जो है वो साझा की और साथ ही आने वाले समय में इस प्रकार के शो जो है वो छत्तीसगढ़ में भी होने की बात जो है उनके द्वारा कही गई। कैमरामैन अविनाश के साथ दामिनी बंजारे, आईएनएस 24/7 रायपुर।